और दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप फिट और फाइन होंगे। दोस्तों मेकअप करना लगभग हर लड़की को पसंद होता है। एज के साथ ही मेकअप करने का शौक भी बढ़ता जाता है। कहीं भी बाहर जाने से पहले मेकअप करना मानो सबसे जरूरी चीज होती है, लेकिन कई बार महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स की वजह से हमें पीछे हट जाना पड़ जाता है, यानी हम मन होते हुए भी मेकअप नहीं कर पाते। कई बार मेकअप प्रोडक्ट्स इतने महंगे आते हैं कि हम उन्हें ना खरीदना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की कमी की वजह से कई बार मेकअप सही से नहीं हो पाता। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर फ्रेंड्स, अगर आपके पास लिप प्लम्पर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है। दरअसल लिप प्लम्पर आपके लिप्स की खूबसूरती बढ़ाने का काम करता है, इसलिए अगर ये आपके पास नहीं है तो आप किसी भी लिप ग्लॉस में थोड़ा पेपर मिंट ऑयल और केयन पेपर पाउडर मिलाकर इसे अपने लिप्स पर लगा सकती हैं। इससे आपके लिप्स मॉइस्चराइज और खूबसूरत रहेंगे। अगर आपको मेकअप करते टाइम आई शेडो बेस की कमी महसूस हो रही है तो इसका इलाज भी हमारे पास है। दोस्तों आई शेडो बेस की जगह आप कंसीलर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे लगाते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि आई शेडो की परत ज्यादा मोटी ना हो, वरना आपको अपनी आंखें भारी लगने लगेंगी। मेकअप प्रोडक्ट में अगर आपके पास न्यूट लिपस्टिक नहीं है तो आप इसकी जगह न्यूट आई शेडो का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए अपने होठों पर सबसे पहले कंसीलर लगाएं और फिर हल्का सा न्यूट कलर का आई शेडो लगाकर उसे ब्लेंड कर लें। ऐसा करने के बाद लिप बाम लगाकर अपने होठों को फाइनल टेक्सचर दें। दोस्तों अगर मेकअप करते टाइम आपको आईब्रो सेट करने में परेशानी आ रही है तो सबसे पहले इसे अच्छे से फिल करें और फिर आईब्रो ब्रश पर थोड़ा मेकअप सेटिंग स्प्रे करके इसे अपनी आईब्रो पर हल्के हाथों से लगाएं। ये आपकी आईब्रो को सही शेप देने के साथ ही उन्हें हाईलाइट भी करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मेकअप प्रोडक्ट्स की टेंशन तो खत्म हो ही गई होगी। प्रोडक्ट की कमी में कैसे मेकअप करना है ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप प्रोडक्ट की कमी की वजह से सुंदर मेकअप नहीं कर पाए। दोस्तों आज के ये ब्यूटी टिप्स आपको कैसे लगे हमें जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।